सैंडविच एक ऐसी चीज़ है जो सबके घर में बनता है। बाहर जाते हैं जब हम ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे तो सब ऑन द मूव होता है, वर्किंग लंच होता है, तो मेनी अ टाइम्स वी नॉर्मली एंड अप हैविंग अ सैंडविच, स्पेशली इफ़ यू आर ऑन द रोड। तो कहीं रुक गए पेट्रोल भराने तो क्या करें, फिर वहाँ पे सैंडविच खाते हैं या तो फिर रोल खाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ एक चिकन सैंडविच, चिकन टिक्का सैंडविच। यहाँ पे मेरे पास है ऑलरेडी चिकन टिक्का, इसको हम लोग थोड़ा सा श्रेड कर लेते हैं। गेट टुगेदर सैंडविच, डब्बे में डाल के दे सकते हैं बच्चों को, बड़ों को। कई बार आप चिकन टिक्का बनाते हैं या बच जाता है, उसके बाद सेम नहीं खाना तो उसका सैंडविच बना दो या रोल बना दो। इसकी फ्रैंकी भी बहुत अच्छी बन जाती है। एक बोल में डाल के सब मिक्स कर देते हैं, थोड़ा सा प्याज डालते हैं फॉर क्रंचीनेस, नहीं चाहिए तो ना डालें। सम ग्रेटेड कैरेट, अ लिटिल बिट ऑफ तंदूरी मेयो। यहाँ पे मैंने तंदूरी मेयो लिया है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि वो ड्राई ना हो। आपके पास मेयोनीज नहीं है तो केचप भी डाल सकते हैं। हमारे घर में रचिता को और मुझे ब्रेड बहुत पसंद है, आ जाए सामने तो बस रिजिस्ट करना मुश्किल हो जाता है। ओके, थोड़ा सा धनिया भी है मेरे पास तो थोड़ा सा धनिया भी डाल सकते हैं। चीज़ डालना है तो चीज़ भी डाल सकते हैं। हरी मिर्च डालनी है तो थोड़ी सी, तीखी करनी हो तो थोड़ी सी हरी मिर्च भी डाल दें। यहाँ पे मेरे पास ब्राउन ब्रेड भी है और वाइट ब्रेड भी है, थोड़ा सा बटर, बटर नहीं डालना तो ना डालें, थोड़ा सा ये मिक्सचर इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं एंड देन वी पुट द ब्रेड ऑन टॉप। और यहाँ पे हमारा ग्रिल गरम हो रहा है, आपको अगर वाइट ब्रेड खाना है तो वाइट ब्रेड। यहाँ पे मैं बटर नहीं डाल रही हूँ, बटर ऊपर से लगाएंगे। यू कैन पुट सम सैलड लीव्स, इसको तोड़ के इसमें भी डाल सकते हैं या इसके ऊपर डाल सकते हैं और उसके ऊपर। अब क्या करना है, बस इसको खोलना है, थोड़ा सा बटर इस पे लगाएंगे। बटर या ऑयल या घी ऊपर से भी लगा देना, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, सो दैट यू गेट सम नाइस ग्रिल मार्क्स। चिकन सैंडविच जस्ट फॉर यू। जब तक ये ग्रिल हो रहा है हम इसमें भी एक सैंडविच या रोल बना लेते हैं। इसमें थोड़ा सा बटर लगा लेते हैं ताकि वो मॉइस्ट रहे। अब इसमें क्या करना है, सैलड लीव्स डाल देते हैं, इसके अंदर स्टफिंग डाल देते हैं एंड योर सैंडविच रोल इज रेडी। बहुत टेस्टी है, डिलिशियस है, इट्स रेडी। थोड़ा से अच्छे से क्रिस्पी हो गया ऊपर से नीचे से, तो किसका इंतजार है आपको, चलिए बनाइए, खाइए, खिलाइए। बाय फॉर नाउ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Food, food, it's sizzling.